अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सो फाइनली इस सैटरडे को भी हम लोग द टेक शो की वीडियो को कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही थी तो मैंने सोचा कि हम लोग वीडियो बना ही लेते हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चंस है लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल संडे को आप लोगों को Q&A की वीडियो मिल जाए। बात करें पहली अपडेट की जो कि आ रही है सैमसंग की अपकमिंग फ्लैगशिप सीरीज S23 सीरीज के बारे में, तो वो बहुत जल्द लॉन्च की जा रही है। दिसंबर खत्म होने वाला है, जनवरी के एंड के ऊपर या फिर फेब के स्टार्ट के ऊपर उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने भाई एंड्रॉइड की कैटेगरी के अंदर कोई फ़ोन अपग्रेड करना है तो आप इसका वेट डेफिनेटली कर सकते हो। अगर मैं अपडेट की बात करते हैं तो जो डमीज हैं वो सामने आ चुकी हैं, जहां पर हमें काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डिजाइन की बात करते हैं तो तीनों के तीनों मॉडल्स के अंदर आप लोगों को सेम डिजाइन मिलेगा, क्योंकि S23 सिंपल होगा, S23 प्लस होगा एंड S23 अल्ट्रा हमें मिलने वाला है। कैमरा का डिजाइन टोटली तौर पर आपको सेम मिलेगा। इसके अलावा जो बड़ा डिफरेंस होगा वो साइज को लेकर होगा, क्योंकि जो S23 सिंपल है वो 6.1 इंच के डिस्प्ले के साइज के साथ आएगा, जो S23 प्लस है वो 6.5 के साथ, जो S23 अल्ट्रा वो 6.8 इंच के डिस्प्ले साइज के साथ मिलेगा। और ये चीज कही जा रही है कि S23 अल्ट्रा के अंदर कर्व थोड़ा सा डिस्प्ले होगा, बाकी दो फोन्स के अंदर फ्लैट डिस्प्ले प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर हम लोग बैक साइड के ऊपर एक चीज नोटिस करते हैं ना, तो जो S23 सिंपल और प्लस है उनकी बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा का सेटअप है, साथ में फ्लैश मिल रहा है, जबकि जो S23 अल्ट्रा उसकी बैक साइड के ऊपर हमें चार कैमराज मिल रहे हैं और साथ में हमें लेजर ऑटो फोकस का सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया। इसके अलावा जो S23 अल्ट्रा उसके नीचे आप लोगों को एस पेन की स्लॉट भी मिल जाएगी, क्योंकि जो नोट है वो सीरीज तो सैमसंग ने खत्म कर दी हुई है। अब बेसिकली जो S23 अल्ट्रा होगा ना वो नोट 23 अल्ट्रा मतलब वही होगा, आप लोग समझ सकते हो। लॉन्च डेट अभी तक कंफर्म नहीं है और जो स्पेसिफिकेशंस हैं प्रोसेसर भी अभी तक कंफर्म नहीं है। बैटरी के साइजेस के दरमियान में डिफरेंस होगा, क्योंकि जो एक्चुअल साइज है फोन का वो डिफरेंट है। इसके अलावा प्रोसेसर भी कहे जा रहे हैं कि मे भी थोड़े बहुत चेंज हो, लेकिन इतना हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कोई नई अपडेट आएगी आप लोगों के साथ में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इसके बाद बात करें नेक्स्ट अपडेट की जो कि आ रही है एप्पल के रिलेटेड, तो एप्पल के खिलाफ काफी देर से केस चल रहा था उनके बटरफ्लाई कीबोर्ड्स को लेकर। आप लोगों को मे भी पता हो कि एप्पल की जो मैकबुक्स आई थी 2016 से लेकर 2019 तक, उनके अंदर कीबोर्ड जो यूज किया गया था उस टेक्नोलॉजी को बटरफ्लाई एप्पल ने कीबोर्ड का नाम दिया था, लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा मसले मिसाइल थे। एप्पल ने कोशिश की थी कि जो आपकी कीज नीचे दबती है ना उसको डिस्टेंस को कम रखा जाए, आपका जो कीबोर्ड है ना वो पतला रखा जाए, लेकिन उसकी वजह से काफी मसले मसाइल आ गए। मसले ये आ रहे थे कि अगर आपने की को किसी को प्रेस किया ना तो वो मल्टीपल, अगर आपने ई को प्रेस किया, आपने एक दफा प्रेस किया है लेकिन ई 3-4 दफा रिपीट हो जाता था। इसके अलावा की स्टक हो जाती थी, लोगों के कीबोर्ड सारे के सारे खराब हो जाते थे, जिसकी वजह से एप्पल के खिलाफ काफी तक केस चल रहे थे। अब उस केस का फैसला यह है कि एप्पल $50 मिलियन के करीब जो बायर्स हैं ना जिनके कीबोर्ड वगैरह खराब हुए थे उनको पे करेगा एज अ मतलब के रिफंड के तौर पर। अगर आपका कोई मसला मसाइल आया, अब मुझे नहीं पता कि एप्पल पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के जो रिफंड है वो करेगा या फिर नहीं करेगा, लेकिन ये काफी अच्छी चीज है कि एप्पल थोड़ा बहुत जो पे बैक है वो करने की कोशिश करेगा। लेट्स सी कि एक्चुअल में क्या लोगों को पैसे मिलते भी हैं या फिर नहीं मिलते। अगर आपका पाकिस्तान के अंदर कोई कीबोर्ड खराब हुआ था तो भाई आप फिर ढूंढ शूंढ लीजिएगा वेबसाइट वगैरह के ऊपर जाकर, मे बी आपको कोई तरीका वगैरह मिल जाए। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो कि आ रही है MIUI 14 के बारे में। अब आप लोगों को मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो दी थी MIUI 14 के ऊपर, जिसके अंदर हम लोगों ने टॉप जितने भी फीचर्स आए हैं MIUI 14 के अंदर उनको डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट के अंदर मैं पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब एक चीज ये काफी अच्छी कही जा रही है कि उसके अंदर हमें जो फोटोनिक इंजन का फीचर मिला है ना, Xiaomi ने ये चीज कंफर्म कर दी हुई है कि वो वाला फीचर जितने भी फोन्स के अंदर MIUI 14 की अपडेट आएगी सारे के सारे फोन्स के अंदर दिया जाएगा। अब शॉर्टली आप लोगों को मैं बता देता हूं फोटोनिक इंजन का बेसिकली मतलब यह है, ये फीचर काम क्या करता है। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप लोग कोई नया फ़ोन लेते हो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है, वो काफ़ी लैगी वगैरह हो जाता है। तो इस नए फोटोनिक इंजन के अंदर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी दी है कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ना उनको भी ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा, उनको काफ़ी एफिशिएंट किया जाएगा, उनको रोका जाएगा कि वो आपके फ़ोन को स्लो ना करें। जो MIUI है इनका वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चलता रहे, इस किस्म का बेसिकली एक फीचर है। इसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि ये नए पुराने जितने भी फ़ोन के अंदर MIUI 14 के अपडेट आएगी सारे के सारे फोन्स के अंदर इसको दिया जाएगा, क्योंकि काफी एक अच्छी अपडेट है। अब एक चीज मैं दोबारा से यहां पर क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान के अंदर MIUI 14 को लेकर आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कब आएगा, तो यार मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि ये जो जितनी भी मिड रेंज की कंपनीज हैं अब Xiaomi फ्लैगशिप फोन्स को भी बनाती है तो उनके फ्लैगशिप फोन्स के अंदर अपडेट जल्दी भी आ जाती है, लेकिन नॉर्मली जो मिड रेंज के फोन होते हैं उनके अंदर अपडेट को लेकर ना तो Xiaomi बताता ना Realme Vivo शिवो ये कुछ नहीं बताते कि उनकी अपडेट्स कब आएंगी। इसलिए हमारे लिए भी ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम आपको बता सकें कि अपडेट कब आएगी। आपको
वेट ही करना पड़ता है जब आ जाए आपको नोटिफिकेशन, तो आप उसी वक्त उसको डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज किसी को भी नहीं पता होता कि अपडेट का टाइम क्या है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि अरे पाकिस्तान के अंदर IMA के जो स्कैम्स चल रहे हैं उनके रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली कस्टम वालों ने ना दो पार्टी के खिलाफ FIR किया जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े इंपोर्टर्स थे पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स के। उन्होंने तकरीबन 10,000 फोन्स के जो IMEI नंबर थे ना उनको वाइट वॉश कर दिया, मतलब कि उनको कस्टम्स का जो डाटा था उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा स्कैम वगैरह किया, जिसकी वजह से ये चीज़ कही जा रही है कि 24 करोड़ के करीब जो है ना फ्रॉड वगैरह किया जा रहा था गवर्नमेंट के साथ। मतलब कि जाहिर सी बात है जब आप सिस्टम के अंदर फोन्स को लेके आते हो तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो 24 करोड़ के करीब ये पूरी जो अमाउंट है वो बन रही थी। अब इस केस की इतनी ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई, बेसिकली इन शॉर्ट यही था कि उन्होंने जितने फोन्स पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्ट किए थे ना वो सारे के सारे कस्टम्स के अंदर शो नहीं किए थे। उन्होंने कहा था कि भाई हमारे गुमशुम हो गए हैं, कोई स्कैम वगैरह करने की कोशिश की थी। काफ़ी बड़े इंपोर्टर्स थे, 10,000 फोन जो कि स्मार्टफोन लेटेस्ट का मतलब फ्लैगशिप भी होंगे, जाहिर सी बात है कि मिड रेंज के फोन तो इतने ज्यादा इंपोर्ट होते नहीं है, मे बी आईफोन्स ही हो, ये चीज नहीं बताएगी कि किस ब्रांड के फोन थे, लेकिन 10,000 की अमाउंट बताई गई है और 24 करोड़ के करीब जो है ना वो टैक्स वगैरह मतलब कि इस किस्म की कुछ चीज़ें कही जा रही हैं, नंबर्स बताए जा रहे हैं पैसों के रिलेटेड। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को मैं क्लियरली तौर पर बता देता हूँ, देखो पाकिस्तान के अंदर जो PTA का सिस्टम था ना टैक्स वगैरह का, उसको हम लोगों ने सपोर्ट भी किया था, मतलब चाहते थे कि टैक्स दिया जाए पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज लगें। अब फैक्ट्रीज लग चुकी हुई हैं, वो भी बंद पड़ी हुई हैं, टैक्स की अमाउंट भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम लोग उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर फोन्स लॉन्च हो भी रहे हैं ना वो इन स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं आ रहे कि बंदा कहे कि यार अगर आपको एक नया फोन 50,000 का मिल रहा है बॉक्स पैक ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुआ आप उसको बाय करो, वो इस काबिल नहीं होता कि उसको रिकमेंड किया जा सके इतना ज़्यादा। इसके अलावा जो किट फोन्स होते हैं वो हम रिकमेंड कर सकते हैं। अब किट फोन्स के अंदर मसला ये है कि अगर आप लोग उनको ऑफिशियली तौर पर PTA प्रूव करवाओ तो इतना ज़्यादा टैक्स आ रहा होता है जितनी उस स्मार्टफोन की प्राइस नहीं होती। इसके अलावा अगर आप उसको विदाउट PTA यूज़ करते हो तो काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ कुछ डिवाइसेस होते हैं वगैरह वगैरह, मतलब कि जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। इसके अलावा आपके बाइक का अपना एक बटन वाला फ़ोन था जो कि हम लोग घर में ऐसे यूज़ कर रहे थे, लाइक पड़ा हुआ था, कोई यूज़ नहीं करता था, लेकिन उसके अंदर सिम हमारी चल रही होती थी। उस फोन को बंद कर दिया PTA ने ये कह के कि भाई आपका जो IMEI नंबर है ना वो क्लोन है। इवन कि वो नोकिया का फ़ोन हमने खुद बाय किया था बॉक्स से, खुद बाय निकाला, काफ़ी देर से वो चल भी रहा था, तो मार्केट के अंदर किसी पास उसका IMEI नंबर चला गया, उस IMEI नंबर को उसने उठाकर किसी और फोन के ऊपर लगा दिया और हमें PTA वाले कह रहे हैं कि भाई आप बताओ हमें कि आपके फोन का सीरियल नंबर क्या है, उसका कलर क्या है वगैरह वगैरह, ताकि आपके फोन को हम लोग वेरीफाई करें। मतलब कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर हमारा नंबर जो कि पहले से चल रहा है उसको बंद किया गया, तो आप बाद वाले फोन से पूछना जिसने उस IMEI नंबर को, मतलब कि जो वाला फोन आपके पास IMEI नंबर के साथ बाद में अपडेट हुआ आप बाद वाले को पूछो जो पहला ओरिजिनल था उसको ही कह रहे हैं। मतलब कि IMEI नंबर को लेकर कफसा पाकिस्तान के जुगाड़ किए जा रहे हैं, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी कोई फोन बाय करो तो उसका जो IMEI नंबर है ना वो ओरिजिनल है, जो बॉक्स पैक है वही है, इस चीज को लाजमी तौर पर क्लियर कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है वो काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट ही चल रही है। इसके बाद बात करें आज की लास्ट अपडेट की जो कि थोड़ी सी एक पॉजिटिव अपडेट है, तो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से जो PM लैपटॉप स्कीम है ना वो स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स को लैपटॉप वगैरह दिए जाते हैं, तो इस स्कीम को दोबारा से रीस्टार्ट किया जा रहा है। तो अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जो क्राइटेरिया वगैरह आप उसके ऊपर पूरे होते हैं, तो भाई बी रेडी, बहुत जल्द स्कीम को स्टार्ट किया जाएगा। और इस दफा ये चीज़ कही जा रही है कि तकरीबन 1,00,000 के करीब लैपटॉप्स को डिवाइड किया जाएगा और जो बलोचिस्तान का कोटा है उसको डबल कर दिया गया। अब ये स्कीम कब स्टार्ट होगी इसके बारे में किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है, और मेरी आपको एक ऑनेस्ट लाइक ओपिनियन मैं दूंगा कि इतना ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिएगा। गवर्नमेंट की जो सिचुएशन चल रही है ना, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो भी तो अपने माइंड के अंदर इसका इंतजार करना स्टार्ट ना कीजिएगा, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है ना वो कहते हैं इधर जहर खाने के पैसे नहीं है, तो यही सीन चल रहा है। लेकिन इसको इनिशिएट वगैरह कर दिया जाएगा बहुत जल्द, इसको ऑफिशियली तौर पर कंफर्म भी कर दिया गया, लेकिन आप लोगों ने वेट इसका नहीं करना, इसके ऊपर नहीं रहना। अगर आपने अपना कोई प्राइवेट लैपटॉप बाय करना ना तो उसको कर लो, जब आपको गवर्नमेंट का मिलेगा तो उसको बेच देना अगर गवर्नमेंट का आपको पसंद आया, क्योंकि इनके जो लैपटॉप्स जो होते ना वो इतने ज़्यादा ठीक नहीं होते, उनके अंदर कभी ना कभी कोई ना कोई टेक्निकल या फिर असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता ही होता है। हफीज सेंटर के अंदर अगर आप लोग कोई भी इनका लैपटॉप लेके चले जाओ ना, जो भी आपका मसला होगा आगे से वो बंदा आपको ये लाजमी तौर पर बताएगा कि ये मसला आपका नहीं है, इस मसले के रिलेटेड हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो काफ़ी अजीब सी चीज़ होती है कि ये जब भी लैपटॉप्स को मारते हैं ना उनके अंदर कोई ना कोई मसला या फिर कई बार एक से ज़्यादा मसले टेक्निकल फॉल्ट्स होते ही होते हैं। तो आप लोग अपनी अभी वेट ना कीजिएगा, जब इसके बारे में कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी आप लोगों को मैं डेफिनेटली बता दूंगा। तो बस आज के लिए यही अपडेट्स आ रही थी, वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।